मैनपुरी उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। मैनपुरी में डिंपल बनाम अपर्णा के आसार, एक तस्वीर ने बढ़ाई सियासी अटकलें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव भी चर्चा में है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। उपचुनाव में इस सीट पर बहु बनाम बहु की लड़ाई देखने को मिल सकती है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दाव का इंतजार है, लेकिन इसी बीच अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि राज्य में सत्तारूढ़ दल यादव परिवार की ही एक बहू को चुनावी मैदान में उतार सकता है। इन अटकलों को समय और बल मिल गया जब अपर्णा यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि बुधवार की सुबह समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के लिए डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सामने आई है, जिसने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सियासी अटकलों को हवा दे दी है। अब कहा जाने लगा है कि भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर अपर्णा पर भरोसा जता सकती है। अपर्णा साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी, हालांकि पार्टी में उनका चुनावी पदार्पण बाकी है। अपर्णा यादव को अक्सर बीजेपी की बैठकों में शामिल होते देखा जाता रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं से मुलाकात आम बात है, लेकिन अपर्णा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उनकी मुलाकात ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। हालांकि उनकी टिकट अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाने लगा है कि बीजेपी अपर्णा यादव पर दाव खेल सकती है। यहां ये भी याद दिला दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा पहले से ही चली आ रही है। हालिया घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि अपर्णा भी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारती है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार मैनपुरी जिले के लोगों को बरसों बाद एक ऐसा लोकसभा चुनाव देखने को मिलेगा जहां उनके नेताजी कहलाने वाले मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी को फर्श से अर्श तक का सफर तय कराने वाले मुलायम सिंह का पिछले महीने निधन हो गया था। अब उनकी मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसने सपा के अलावा बीजेपी की सियासत में भी कुछ ज्यादा ही करंट लगा दिया है।